हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे शानदार ग्रोइंग यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11 और 12 के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम आपके साथ यहां आरटी एकेडमी पर। क्लास 11 चल रही है, चैप्टर चल रहा है वेव इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, इक्वेशन भी सीख ली है। आज चर्चा होगी वेव वेलोसिटी की, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव की। फिलहाल लास्ट लेक्चर में हमने जनरल इक्वेशन ऑफ वेव की चर्चा की थी, और जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में आपको एक चीज मैं क्वेश्चन करके दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ वेव पर आएंगे कि किस तरह हम ये चेक करते हैं कि कोई इक्वेशन वेव की है या नहीं। तो हमें ax plus minus bt का फॉर्मेट पता था, तो 4x plus 3t ये y की इक्वेशन दे रखी, और ऐसी इक्वेशन देकर ये चेक करने के लिए तुमसे कहे कि चेक वेदर इट इज अ वेव इक्वेशन और नॉट। Does it represent a wave? और इस तरह के सवाल बेटा पेपर में आया करते हैं, हमें इसे सोचना जरूर है, ये आया करते हैं पेपर में, खूब जम के आते हैं। तो सबसे पहली बात, ये वेव को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, तो बच्चा देखते ही ये बात सोचेगा कि y is a function of ax plus minus bt, इस तरह का फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो शायद ये वेव रिप्रेजेंट करे। लेकिन आप ax plus minus bt देखकर वेव कमेंट ना करें तो बेहतर। देखिए कैसे, अगर इसे वेव रिप्रेजेंट करना है तो पुराना फॉर्मेट डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। v फॉर स्पीड ऑफ वेव, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, तो वेव की स्पीड लिखकर नहीं आएगी, उस जगह पर कोई एक नंबर आएगा। तो दो चीजें हमें निकालनी है, वो है डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर और दूसरा डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, ये हमें कंपेयर करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले डेल वाई बाय डेल टी हम निकालते हैं। तो डेल वाई बाय डेल टी क्या बताता है वो देखो, डेल वाई बाय डेल टी तुम्हें बताएगा डेल बाय डेल टी ऑफ 4x प्लस 3t, ये बता रहा है। आप इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डेल ओवर डेल टी 4x प्लस 3 टाइम्स डेल ओवर डेल टी t। आप क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, x बीइंग कांस्टेंट वो जीरो हो जाएगा, और dt dt का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 आएगा, तो आंसर आएगा 3, डेल वाई बाय डेल टी इक्वल टू 3। तो आप इसका डबल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर, तो एक्चुअली वो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि कांस्टेंट नंबर हो चुका है, तो उसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव तो जीरो ही आएगा। अगली चीज देखिए बेटा, दूसरी चीज जो हमें निकालनी होती थी वो होती थी डेल वाई बाय डेल एक्स। तो हमने कहा डेल बाय डेल एक्स ऑफ 4x प्लस 3t, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, तो 4 बाहर, डेल बाय डेल एक्स ऑफ x प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3t, इस पूरे का बच्चा डिफरेंशिएशन 0 और यहां डिफरेंशिएशन आया 4, ये है बेटा डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये रहेगा डेल 2y ओवर डेल x स्क्वायर और ये भी 0। तो आपको दिखाई दिया कि डेल 2y ओवर डेल x स्क्वायर 0 है, और हम ये जानते हैं कि डेल 2y ओवर डेल टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल 2y ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, जो स्पीड ऑफ वेव के स्क्वायर के बराबर होगा। और अगर ये फॉर्मेट तुम मैच करोगे तो कांस्टेंट तो नहीं आने वाला, क्योंकि तुम्हारे में दोनों की वैल्यू 0 है, तो 0 अपॉन 0 ये तो नॉन डिटरमाइंड नंबर हो गया, तो हम कहेंगे कि नो, इट डजंट रिप्रेजेंट अ वेव। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नो, द इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ वेव। ये जो इक्वेशन है ये वेव को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्या बात है, तो क्या करती है? कुछ नहीं करती, फालतू की स्ट्रेट लाइन, कुछ और नहीं। एक इक्वेशन और देता हूं, जरा उसको भी टेस्ट करना कि whether that equation represents a wave or not। y का जो फॉर्मूला है वो है e,
कि पावर 2x प्लस 3b ये, और फिर वही पूछा जा रहा है कि डज इट रिप्रेजेंट अ वेव और नॉट। तो आओ भाई वेव का रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे डेल y बाय डेल t। जब डेल y बाय डेल t करोगे तो लिखोगे डेल ओवर डेल t e की पावर 2x प्लस 3b। अब इसमें चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले e की पावर x मिल रही है तो e की पावर x का तो बेटा e की पावर x ही आने वाला है। बाद में मल्टीप्लिकेशन में आप डेल ओवर डेल t 2x लिखें प्लस डेल ओवर डेल t 3t लिखें। आपको लगेगा ये टर्म बचा जीरो हो गया क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन हो रही है तो x जो है वो कांस्टेंट हो गया। dt dt 1 बचा 3, तो हमारे लिए जो आंसर आ रहा है दैट इज 3 e रेज टू 2x प्लस 3t ये। और ये रहा डेल y बाय डेल t। अब अगर आप डेल 2y बाय डेल t स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो 3 तो बेटा बाहर आ जाएगा, डेल ओवर डेल t ऑफ e की पावर 2x प्लस 3t ये रहेगा। अगेन आप देखें 3 ऐसे ही, सबसे पहले चेन रूल लगाएंगे तो e की पावर x का तो e की पावर x ही आप बना देंगे और फिर जब आप अंदर जाएंगे तो 2x का 0 बन जाएगा और 3t का सिर्फ 3 बन जाएगा। तो 3t कितना हुआ बेटा 9 e की पावर 2x प्लस 3t। ये हमारे लिए डेल 2y ओवर डेल t स्क्वायर ये टर्म बनना है। हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो सेकंड ऑर्डर की, अच्छा लग रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। अब दूसरी चीज क्या करनी है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है यानी डेल y ओवर डेल x करना है। यानी डेल y डेल x किसका भैया e की पावर 2x प्लस 3t का, तो फिर वही काम करना है बेटा e की पावर 2x प्लस 3t करोगे और बाद में मल्टीप्लिकेशन में 2 बच जाएगा और 3t 0 हो जाएगा। आप डबल डिफरेंशिएशन लगा दीजिए बेटा, डबल डिफरेंशिएशन में 2 बाहर e की पावर 2x प्लस 3t और 2 फिर से बाहर, तो मेरे हिसाब से जो डबल डेरिवेटिव y का x की रिस्पेक्ट में आ रहा होगा वो होगा 4 e की पावर 2x प्लस 3t। दो इक्वेशंस बचा आपने बना लिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप बेटा डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे डेल 2y ओवर डेल t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल 2y ओवर डेल x स्क्वायर। आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो t की वैल्यू आ रही है 9 e की पावर 2x प्लस 3t और नीचे इसकी इक्वेशन आ रही है 4 e की पावर 2x प्लस 3t। मेरे हिसाब से आप e की पावर x का एक फंक्शन काट सकते हैं। आपके लिए डेल 2y by del t square whole divided by del 2y by del x square is nothing but a constant 9/4। और अगर ये constant की तरह आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ ये wave represent कर रहा है। इस तरह से बेटा दो बार differentiation करके हम check करते हैं कि wave represent कर रहा है या नहीं कर रहा। अब direct answer नहीं लिखते हैं तो हमारा answer क्या होगा, yes it represents a wave। जी हाँ, जो इक्वेशन अभी हमें दी गई ये एक वेव को रिप्रेजेंट करती है। कितनी सुंदर बात है, कितना आसान है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का चेन रूल अगर हमें पता है तो हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि गिवन इक्वेशन वेव को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात यह है कि चेक करना ही तब स्टार्ट करें जब फंक्शन में कहीं ax + bt दिखाई दे। अगर ax + bt कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा तो लॉजिकली वेव हो ही नहीं सकता। ax + bt दिखाई अगर दे रहा है तो उसके वेव होने की संभावना है। एश्योर कब करेंगे, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। चलो, वेव की इक्वेशन में वेव की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दैट इज v इक्वल टू f लैम्डा। हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी जो है वो सिर्फ मीडियम पर डिपेंड करती है। तो मीडियम बदल जाने पर वेव की वेलोसिटी बदल जाएगी। तो मीडियम पर ये वेलोसिटी कैसे डिपेंड करती है, मीडियम के कौन से फैक्टर्स हैं जो इस वेलोसिटी को बदल सकते हैं वगैरह वगैरह, इसकी आज की चर्चा हमारे एजेंडा इसी का है। सबसे पहली बात, अगर किसी मटेरियल में किसी मीडियम में वेव को प्रोपगेट करना है
तो मीडियम के पास इलास्टिसिटी जरूर होनी चाहिए, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। अगर उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है तो आप मान लीजिए कि वो मीडियम वेव को प्रोपगेट नहीं कर पाएगा किसी कीमत पे, यानी कि जो मीडियम है वो डिफॉर्म भी होना जरूरी है। और उसके अलावा उसका रिफॉर्म भी होना जरूरी है। डिफॉर्म और रिफॉर्म अगर वो मीडियम के पार्टिकल्स खुद को कर पा रहे हैं तब तो वेव आगे ट्रेवल कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। वेव की स्पीड को सिर्फ और सिर्फ मीडियम गवर्न करता है, तो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स कैसे ट्रेवल करती है, इसमें एक बहुत स्पेसिफिक वेव है जिसे हम कहेंगे साउंड वेव, वो कैसे ट्रेवल करती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसका ही डिस्कशन करना है। हर एक फॉर्मूले की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन हम बोर्ड के सिलेबस में उन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन नहीं करते, हम उन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्ट डाइजेस्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन सीखते हैं। तो हमारा एजेंडा बोर्ड सिलेबस में पढ़ने का ये है कि हम किसी भी फॉर्मूले की डेरिवेशन को कहां से मैथमेटिक्स उसकी क्या डेवलप हुई है वो ना जाने, ये जाने कि वो फॉर्मूला क्या है, एक्सपेरिमेंटली किन किन बातों पर डिपेंड करता है और उसकी वजह से हम किस तरह से वेव वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले वेव्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसे कैसे ट्रेवल करती है, आइए देखिए। सॉलिड्स में भी वेव ट्रेवल करेगी, लिक्विड्स में भी वेव ट्रेवल करेगी और गैसेस में भी वेव ट्रेवल करेगी। हम जानते हैं कि मटेरियल का इलास्टिक होना जरूरी है, यानी मटेरियल में जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी वेव की वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा वेव की वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा। तीनों में आप चेक कर लीजिए, सॉलिड्स में वेव की वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, लिक्विड्स में उससे कम होगी और गैसेस में सबसे कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगी वो इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब लिक्विड्स की जो वेलोसिटी है वो गैस और सॉलिड्स के बीच में होगी, और वेलोसिटी ऑफ वेव जो गैस में होगी वो लीस्ट होगी। क्लियर मेरी बात? जवाब है, एक जनरल फॉर्मूला है वेव की वेलोसिटी का। General velocity. Modulus of elasticity divided by material की density. Material में कितनी elasticity है और कितनी density material के पास है, ये जो ratio लिखा हुआ है आपके सामने उसका square root लिखा है, ये बताता है कि wave की velocity किसी medium में क्या होगी। आप जानते हैं कि सॉलिड्स में यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा है, लिक्विड्स का बल्क मॉडुलस कम है और गैसेस में बल्क मॉडुलस सबसे कम है। इस वजह से आप पाएंगे कि जब स्टील के अंदर या सो कॉल्ड आयरन के अंदर आप स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे तो वह अप्रोक्सीमेटली 5000 मीटर्स पर सेकंड निकल के आता है, लेकिन अगर आप वॉटर देखेंगे तो वॉटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 1450 मीटर्स पर सेकंड निकल कर आता है। यहीं पर अगर आप गैसेस में देखेंगे तो एयर की बात कर लें तो इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड भी तो एक वेव है, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर 340 मीटर्स पर सेकंड है। इलास्टिसिटी के चेंज होने से 5 किलोमीटर से 350 मीटर पर स्पीड आ जाती है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं तो डिफरेंट टाइप की बातें पढ़नी। एक और चीज मान लीजिए कि हमारे पास कोई रस्सी, जैसे ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहां से एक रस्सी बांधी हुई है, यहां पर एक ब्लॉक टंगा हुआ है, इस ब्लॉक को ऐसे करके जर्क प्रोवाइड किया गया और ये जर्क आगे जा रहा है, तो लॉजिकली वेव इस तरह से आगे जा रही होगी। ये जो वेव आगे जा रही है, इस वेव के जाने की वेलोसिटी कितनी है, इसकी बढ़िया सी डेरिवेशन होती है, हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन फॉर्मूला हमारे कोर्स में है। फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ओवर टी अपॉन म्यू। टी का मतलब है टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है।
पर टेंशन को आप इस तरह सोच सकते हो कि अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि यार नीचे की तरफ इस ब्लॉक का mg काम कर रहा है और इसे रोकने के लिए टेंशन काम कर रही है, और अगर ये ब्लॉक कहीं नीचे जा नहीं रहा तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम अवेलेबल है, तो इस वजह से टेंशन की वैल्यू जनरली mg के बराबर लिखी जा सकती है। ठीक, तो टेंशन तो आपने तुरंत फाइंड कर ली। अब सवाल आता है कि ये जो म्यू लिखा है ये क्या है? म्यू जो है वो रस्सी का मास नहीं है बल्कि मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब रस्सी का कितना मास एक मीटर में है। आप देखें तो तुरंत आप ये बात बोलेंगे कि सर टेंशन की यूनिट न्यूटन बनेगी और मास पर यूनिट लेंथ की यूनिट जो होगी वो बनेगी किलोग्राम पर मीटर। क्लियर है मेरी बात? जवाब है एक मीटर रस्सी में कितना भार है उससे मतलब है। तो ये बन गई वेलोसिटी। अब जरा तुम अपनी रस्सी को देखो, मान लो रस्सी की कुछ डेंसिटी है जिसे तुम रो कह रहे हो, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसे तुम एस कह रहे हो, रस्सी की लंबाई है जिसे तुम एल कह रहे हो, तो अगर तुम इस रस्सी का मास निकालोगे तो टोटल मास का मतलब होगा टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम की जगह तुम लिखोगे एरिया इनटू लेंथ और उसके बाद लिखोगे डेंसिटी। पर अगर तुम म्यू लिखने की बारी पर आओगे तो कहोगे मास अपॉन लेंथ, ये तो होगा ना म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, तो आप लिखोगे एस एल और फिर रो डिवाइडेड बाय एल। एल से एल कैंसिल होगा, जो म्यू की वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी एस इनटू रो। तो जिस फॉर्मूले को तुम अंडर रूट टी बाय म्यू लिखकर आ रहे हो वो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो तुम्हारे लिए बन जाएगा टी अपॉन एस इनटू रो। तो आपको डेंसिटी से अगर रिलेशन पूछा जाए तो डेंसिटी से भी रिलेशन लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ से भी रिलेशन लिख सकते हैं। अब तुरंत ये बात कहेंगे कि रस्सी जिसमें जितनी ज्यादा टेंशन है, जितनी टाइट रस्सी है स्पीड उतनी ज्यादा, या रस्सी की डेंसिटी जितनी ज्यादा है स्पीड उतनी कम, रस्सी जितनी पतली है उतना ज्यादा तेज साउंड कोई भी वेव जाएगी, और अगर रस्सी का एरिया ज्यादा है तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन दिखाई दे रहा है। आप इसमें सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि इससे एक सवाल आने वाला है जस्ट इस फॉर्मूले से। ठीक, एक तो ये वेव की फॉर्मूला हो गया। अगला देखें वेलोसिटी ऑफ वेव इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में भी वही बात है, आप तुरंत आइए लिक्विड्स में वेलोसिटी की बातें करते हैं बेटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो अभी बनेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं बेटा बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ये क्या बकवास है? जवाब है हाँ, यही तो होगा, बिल्कुल क्लियर है। तो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी ये सिंपल सा फॉर्मूला है, तो आपको तुरंत दिखाई देना चाहिए कि सर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट बीटा के, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट डी के, डेंसिटी के। और आपको ये भी दिख रहा है कि डेंसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास स्ट्रिंग में भी वेव की स्पीड आई थी। तो यानी अगर हम अपने लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो स्पीड होगी वो लगातार घटेगी, लेकिन अगर हम बल्क मॉडुलस को बढ़ाएंगे तो स्पीड लगातार बढ़ेगी। यानी जिस मटेरियल की कंप्रेसिबिलिटी कम है वही ज्यादा तेज साउंड को प्रोपगेट या वेव को प्रोपगेट कर पाएगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहां पर लिक्विड्स विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के, लिक्विड्स विथ लो कंप्रेसिबिलिटी वेव फास्टर। मेरे हिसाब से इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये फैक्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो बात बन जाएगी। चलिए अगला देखिए सॉलिड्स में क्या है। सॉलिड्स में बेटा दो तरह की वेव्स जाती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक जा सकती है ट्रांसवर्सल वेव। तुरंत दिमाग में आपके आएगा ये बात, तो तुरंत आनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है, कि वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है जिसे आप बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी आएगा बेटा,
और ट्रांसवर्सल वेव में शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे ईटा से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय डी आएगा। और आप यहां पर फिर देख पा रहे हैं कि जितना ज्यादा यंग मॉडुलस और ईटा बढ़ाते जाएंगे, वेव की स्पीड भी उतनी बढ़ती जाएगी। इस वजह से अगर हम कहें कि स्टील में वेव की वेलोसिटी और कॉपर में वेव की वेलोसिटी, किसमें वेव की वेलोसिटी ज्यादा है? स्टील में ज्यादा। इसी की बजाय अगर हम कहें कि किसी स्टील के मटेरियल में वेव की वेलोसिटी ज्यादा है, या हम कहें कि रबर में वेव की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए और कहिए कि स्टील में वेव की वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसी वजह से सॉलिड्स के अंदर, आयरन के अंदर, स्टील के अंदर 5000 या 5100 मीटर पर सेकंड के आसपास की साउंड की स्पीड होती है और वो फास्टेस्ट होती है। तो जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे कमेंट करें तो यंग मॉडुलस का इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप ट्रांसवर्सल वेव पे कमेंट करें तो आप शियर मॉडुलस का इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन गैसेस। गैसेस में वेव की वेलोसिटी का वही पुराना फॉर्मूला है, और क्योंकि गैसेस फ्लूइड के अंदर आती तो आप यंग या शियर मॉडुलस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी लिखेंगे। तो अगेन वही फॉर्मूला जो आपने लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल किया था, सेम फॉर्मूला आप गैसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण ये है कि ये भी फ्लूइड की ही कैटेगरी में आता है, बस इतनी सी बात है कि इन प्रभु का जो बल्क मॉडुलस है उसका अमाउंट कम है या उसकी वैल्यू कम है, जिसकी वजह से स्पीड इन गैसेस वेव्स की कम हो जाती है, साउंड धीमे ट्रैवल करता है। ठीक है, अच्छी बात है। गैसेस में जो वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में चलती है, वेव्स जो चलेंगी वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में चलेंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेव्स लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखें। अब एक बात ध्यान रखें कि गैसेस में जो साउंड का प्रोपगेशन है, वो गैसेस में साउंड का प्रोपगेशन या किसी भी वेव का प्रोपगेशन प्रोसेस डिपेंडेंट है, प्रोसेस डिपेंडेंट है। क्या प्रोसेस डिपेंडेंट है? वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन जो है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। कौन कौन से प्रोसेस? जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपने पढ़े थे, इट मे बी आइसोकोरिक, इट मे बी आइसोबारिक, इट मे बी आइसोथर्मल, इट मे बी एडियाबेटिक। ध्यान रखें कि जब भी कभी साउंड या कोई भी वेव गैसेस में ट्रेवल करेगी तो रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन वेव्स बनती हैं। एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं और पास आते हैं, मतलब एक्सपेंशन भी होता है और कंप्रेशन भी होता है, इसके बिना तो वेव चल नहीं सकती। तो तुरंत आप डिस्कार्ड करेंगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस होने की कोई संभावना नहीं, आइसोबारिक प्रोसेस होने की भी कोई संभावना नहीं है। कारण ये है कि जब तक प्रेशर का डिफरेंस नहीं आएगा तब तक ये रेयरफैक्शन और कंप्रेशन नहीं हो सकते, तो आइसोबारिक प्रोसेस भी नहीं हो सकता। तो जो कुछ हो सकता है वो या तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है या एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है, या इसके अलावा कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पॉसिबल है। हमारे कोर्स में यही दो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं, इस पर इन पर ही डील करेंगे। फिलहाल प्रोसेस डिपेंडेंट होने की वजह से अगर हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू वेव को प्रोपगेट कराएं एयर में या किसी भी तरह की गैस में, तो उसी वेव का स्पीड बदलती चली जाएगी, क्योंकि बल्क मॉडुलस डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे डेंसिटी से। तो इसका मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे बेटा आपकी स्पीड घटती चली जाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी इन ड्राई एयर क्या होगी और वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर क्या होगी, तो कई बच्चे इसमें भ्रम पाल लेते हैं कि मॉइस्ट एयर होने का मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एयर से भारी होते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी मॉइस्ट एयर की ज्यादा होगी और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी ड्राई एयर से हमेशा कम होती है, क्योंकि वाटर वेपर की जो वेपर डेंसिटी है वो एयर की वेपर डेंसिटी से हमेशा कम रहती है। वेपर डेंसिटी अगर तुम मॉलिक्यूलर मास निकालोगे वाटर का तो 18 आएगा, वेपर डेंसिटी निकालोगे 9 आएगी, लेकिन एयर की वेपर डेंसिटी 14.5 होती है। क्लास 10th में चैप्टर 5 में ही पढ़ा था हम लोगों ने। इस वजह से मॉइस्ट एयर की डेंसिटी हमेशा कम रहेगी। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से मॉइस्ट एयर में जो स्पीड है साउंड की वो ज्यादा रहेगी और ड्राई एयर में स्पीड हमेशा कम रहेगी। तो ये बात आप मान लीजिए,
कि क्वेश्चन के तौर पर जरूर से जरूर आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछी जाती है। स्कूल एग्जाम के पर्पस से अगर सोचेंगे तो जितनी बात आज बोलूंगा 100% पेपर में आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन साहब साउंड का प्रोपगेशन सोचते हैं कि एयर में किस तरह से साउंड प्रोपगेट करती है। उनके पास थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान है और वो हर चीज में हर लॉजिकल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और न्यूटन का असम्पशन क्या है वो सुन लीजिए। न्यूटन का असम्पशन क्या है? न्यूटन साहब का असम्पशन ये है कि भैया साउंड का जो प्रोपगेशन है इन एयर साउंड का प्रोपगेशन एयर में आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, साउंड ट्रेवल करता चला जाता है। ये उनका असम्पशन है, ऐसी उनकी थ्योरी, आइसोथर्मल सोच रहे हैं। और फिर वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं और कहते हैं कि ये है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तुरंत दिमाग में आएगा कि जो बल्क मॉडुलस है गैसेस में आइसोथर्म प्रोसेस में, अगर किसी तरह का आइसोथर्म है उसमें बल्क मॉडुलस लिखेंगे तो वो गैस के प्रेशर के बराबर होता है। ये हम पिछले कुछ लेक्चर्स में थर्मोडायनेमिक्स में करके आए। तो फिर जो न्यूटन का फॉर्मूला बन जाता है वेव की स्पीड का या साउंड की स्पीड का सो कॉल्ड, वो बन जाता है प्रेशर अपॉन डेंसिटी। और प्रेशर अपॉन डेंसिटी, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम अपनी वेपर डेंसिटी एयर की रखकर इसे सॉल्व करें तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नियर अबाउट 280 मीटर्स पर सेकेंड। 280 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर्स पर सेकेंड के नियर अबाउट ये वैल्यू कहीं ना कहीं आउटपुट में आती है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है? एक्सपेक्टेड नहीं, ऑब्जर्व्ड क्या है? वी रियल, वो 330 मीटर्स पर सेकेंड के आसपास की, 20% से ज्यादा या उसके आसपास का एरर न्यूटन साहब के फॉर्मूले में नजर आता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कौन दूर करेगा? न्यूटन साहब के गुजर जाने के बहुत समय के बाद एक महान वैज्ञानिक आएंगे। पहले मैथमेटिशियन है, बाद में साइंटिस्ट बनते हैं, फिजिक्स में जंप करते हैं। इनका नाम है लाप्लास। लाप्लास साहब करेक्शन करते हैं और करेक्शन लाप्लास का ये है कि जो साउंड का प्रोपगेशन है थ्रू एयर वो एक्चुअली एडियाबेटिक है। वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, किसी तरह से आइसोथर्मल नहीं, क्योंकि साउंड का जो प्रोपगेशन है वो इतना क्विक है कि आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए एनर्जी का जो ट्रांसफर उसका रेट बहुत स्लो होना चाहिए और क्विक प्रोसेस एडियाबेटिक होते हैं। ये हम लोगों ने थर्मो में डिटेल में जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारे पास, दैट वाज बी अपॉन डी, उसमें बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक में आप लिखोगे कैसे? तो बेटा बल्क मॉडुलस एडियाबेटिक का आप लिखते हो गामा टाइम्स पी, और गामा की जो वैल्यू है आपके लिए वो गामा की वैल्यू निकल कर आती है सीपी बाय सीवी। ये डिटेल में कर रखा है हमने। तो इसका मतलब ये है कि जो लाप्लास का फॉर्मूला है वो बन जाता है गामा P अपॉन D। गामा अगर आप एयर के बारे में सोचो तो 78% नाइट्रोजन, 20.8% ऑक्सीजन, तो 99% के आसपास हम पहुंच गए। और ये दोनों डायटॉमिक गैसेस हैं, तो हमारी एयर 99% के आसपास डायटॉमिक है, इसलिए गामा की वैल्यू 1.41 के आसपास बनती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक गैसेस के लिए गामा की क्या वैल्यूज होती है। डायटॉमिक के लिए 1.41 होती है। और जब ये वैल्यू रखकर आप सॉल्व करोगे तो 331 मीटर्स पर सेकंड के आसपास, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट आता भी नहीं है, इसके आसपास की वैल्यू निकल कर आती है, व्हिच इज वेरी क्लोज टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ साउंड वेलोसिटी इन एयर 0 डिग्री सेल्सियस पे। जिसकी वजह से माना गया कि जो लाप्लास साहब बोल रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच भी कर जाता है। इसे बोलते हैं लाप्लास करेक्शन टू द न्यूटन्स फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, खेल खत्म होता है। इसके बाद जो चीज आती है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। साउंड या किसी भी तरह की वेव अगर एयर में या किसी गैस में ट्रेवल कर रही है तो टेम्परेचर बदल जाने पर उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा। मैं एग्जांपल साउंड का ही ले लेता हूं क्योंकि साउंड का ही एग्जांपल हमारे कोर्स में है। साउंड का केस आप देखें तो साउंड की जो वेलोसिटी है
1 डिग्री सेल्सियस का अगर मैंने टेम्परेचर में चेंज प्रोवाइड किया तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो 0.61 मीटर पर सेकंड का आएगा। यानी अगर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये भी जाननी चाहिए कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे साउंड की स्पीड गैसेस में बढ़ती जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस का अगर मैंने टेम्परेचर चेंज लाया तो उसके करस्पॉन्डिंग 0.61 मीटर पर सेकंड का वेव की साउंड की वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस देन द वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकंड। इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस देन द वेलोसिटी विल आल्सो गेट डिक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकंड। यानी किसी टी डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा क्या होगी वेव की वेलोसिटी, तो आप इसे 0 डिग्री सेल्सियस की वेलोसिटी प्लस 0.61 इनटू टी बता देंगे मीटर पर सेकंड में। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भी वेलोसिटी है वो 330 मीटर पर सेकंड या 331 मीटर पर सेकंड व्हाटएवर 330 मीटर पर सेकंड पकड़ लेते हैं, और तुम 5 डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहे हो तो हर डिग्री सेल्सियस पे कितना बढ़ रहा है 0.61, 5 डिग्री सेल्सियस पे कितना पड़ेगा 0.61 इनटू 5 और उसे 0 डिग्री सेल्सियस वाली वेलोसिटी पे जोड़ दीजिए टी डिग्री सेल्सियस पर आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। और ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पर एक नंबर या दो नंबर में सवाल पेपर में आ ही जाता है। आज के कॉन्सेप्ट में जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, मैंने बहुत छुप छुप कर बच बच कर चीजें बताई हैं ताकि कम से कम समय में वो सारी चीजें आपके एग्जाम्स के लिए हो जाएं जो आपके पेपर में 110% आती है। कितना भी घुमा फिरा के लाएंगे क्वेश्चन सिर्फ वहीं से बनेगा जो आज लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया गया। वेव मोशन का वेव वेलोसिटी का क्वेश्चन बनेगा तो आज आधे घंटे के लेक्चर से बनेगा। इसे गौर से देख लीजिए, याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सवाल सिर्फ इस आधे घंटे के लेक्चर से आने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को यहां खत्म करते हैं, लेक्चर ओवर हो रहा है। हमेशा आपके तरह देखने के लिए धन्यवाद। आरटी एकेडमी को फॉलो करते रहिए और फॉलो करेंगे तो हम लगातार आपको कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। इसके बाद हम सैंपल पेपर की स्टडी भी करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, पेपर करने का तरीका आपको बताएंगे, अप्रोच करने का तरीका बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में सीखेंगे कि किस तरह सुपरपोजिशन होने से इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव्स पैटर्न दिखाई देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।